सो गाइस यहाँ पर सभी लोग रेडी हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सा टचअप सबने कर लिया है और बच्चे भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो बच्चे भी आज हमारे साथ में जा रहे हैं, वैसे हम हमेशा अकेले ही जाते थे। तो यहाँ पे देखो हेवा भी रेडी हो गई है, तबली बाजी तो रेडी थी ही, ये फैजान भी पढ़ाई कर रहे थे इसको भी रेडी करा लिया है और फ़ौरन भी रेडी हो जाएगी भाई। और हम लोग ही जा रहे हैं, ये भी तैयार है नई टी शर्ट पहन कर। कौन सा वाला करवाया? वही खाता जो ओनियन कैप्सिकम। ओनियन कैप्सिकम कौन कौन सा? हाँ हाँ एक ही कर दो पिता। चलो तब तक आप बनाओ भैया, हैं 10-15 मिनट तो लगेंगे। हाँ 6-7 मिनट। हाँ बना दो भैया। कितनी हो गई? एक और चलो आए भाई। सो गाइस चौपाटी से हम लोग सीधा आ गए हैं 56 भोग। यहाँ से हम लोग जो है डोसा लेंगे और सबने अपने पसंद बताई है, जो वो उस हिसाब से ले रहा है। कोई चौमिन मंगा रहा है, कोई डोसा, और कोई ले रहा है साथ में आलू टिक्की। और फुरन क्या खाएगी? बच्चों के से पर आ चुके हैं। खाएंगे, लेकिन फिर भी फाइनली भैया ने जो है डोसा जैसे तैसे करके खिला ही दिया हमें। तो बस अभी हमने खा लिया है, आलू टिक्की भी खा ली है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे यहाँ की आलू टिक्की, मतलब सारे ही आइटम ऐसे यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बस अभी वजह अभी खा रही है अभी, क्योंकि बच्चों की वजह से जो है ना हम लोग नहीं खा पाते हैं। एक पर्सन जो है बच्चों को संभालने वाला होना चाहिए साथ में, तब जाके खा पाते हैं। तो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए फैजान हुरैन नाम आता है मुझे बार बार से, फैजान हिबा को संभाल रहे हैं और हुरैन वहाँ पे मोबाइल में लगी हुई है, तब जाके हमने खा पाए हैं। ये संभाल रहे हैं हुरैन को और बस लवली बाजी और खा ले, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और हाँ अभी हमें एक चीज़ और खानी है, क्या खानी है फैजान?
आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ही खाएंगे घर जाने से पहले। और ये देखो ये लड़की बहुत ज़्यादा उदमी है, बिल्कुल भी नहीं बैठती एक तरह। इससे बोलते हैं हिबा तुम्हारा बर्थडे नहीं बनाएंगे तो तुरंत रोने लग जाती है। अभी से ही अपना बर्थडे जान लो, पकड़ी हूँ तो तुरंत रोने लग जाती है। मतलब इनको बर्थडे के बारे में पता है अपने कि हाँ भाई बर्थडे क्या होता है, रोने लग जाता है वो। तो यहाँ पे अभी ये है और हुरैन को मच्छर काट रहे हैं, है ना, हुरैन को मच्छर काट रहे हैं। उसका लोवर नीचे कर दो, उसका लोवर नीचे कर दो, मच्छर काट रहे हैं। इधर ला दो इसको इधर। तो बस अभी ये है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो तो मच्छर है। मतलब इसको नीचे छोड़ो तो नीचे इनको देखना पड़ता है, ऊपर टेबल पे छोड़ो तो टेबल पे इनको देखना पड़ता है। घर पे तो इतना आतंक मचा हुआ है ना कि क्या ही बताया। थोड़ा देर के लिए अगर हॉल में छोड़ते हैं तो तुरंत जीने चढ़ जाती हैं ये, और जीने पे चढ़ के आराम से बैठ जाती है। मतलब डर ऐसा लगता है कहीं गिरना पड़े ऊपर से, और दिन में एक दो तीन बार तो गिरना ही गिरना है। क्या लगती है दिन में कितनी बार गिरती है? वाह, गिर गई ना, मतलब उसको गिरना ही गिरना है। तो बस अभी हमने खा पी लिया है, अब निकलते हैं फिर से चौपाटी के लिए। वहाँ जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और फिर घर चलेंगे। और फिर घर चलेंगे बराबर तैरेंगे और हमको काट के बहुत सारे मच्छर चिल्ला रहे हैं। तो मुझे मुझे बोल रहे हैं चलो कम कम क्वांटिटी दे रहे हैं। हाँ बता दो, नाम तो बताओ। मेरा सब कुछ बोल रहा है, कैसे हो रही है? मुझे भी बैठा दो बच्चों को, कौन ठंडे हो जाएंगे। ये दीदी तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी देंगे हैं। भाई साइड में रहेगी अरे मजाक कर रहे हैं हम तो। हट जाओ, हमारा गुरु कौन सी खाएगा। गिरा रहा है उधर रखो, अच्छी है। हाँ गुरु खाएगा, गुरु गुरु खिला देना।
मैंगो वाला आ रहा होगा फ्लेवर, मैंगो का फ्लेवर है थोड़ा। ये खास नहीं है मतलब, बिट्टू हम यहाँ पे आते थे घूमा करने बते। हाँ और तो थी नहीं। क्या लवली भाजी कैसा लगता था? जब भी लाइट जाती थी हम लोग यहीं आ जाते थे। नहीं दो बार बना चुके थे, एक बार गुड्डन दीदी के साथ में, एक बार प्रभुआ के साथ में। बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि चलो अपन तो बाहर खाना बनाएंगे, तो जैसे दाल चढ़ाने के लिए रखी है मतलब उबलने के लिए, वैसे ही मतलब तुरंत हाँ बारिश आना शुरू हो गई थी, तो जल्दी जल्दी से मतलब सारी चीजें ढाकी। फैजान गिरोगे ना तो फिर से चोट लग जाएगी, वहाँ पे गहरा है वो। अरे वाह, फिर राउंड लगाते थे, तेलते थे कितने राउंड लगाते हैं। हाँ और क्या, बहुत मस्ती करी है इस ग्राउंड में, बहुत सारी यादें हैं इस ग्राउंड के साथ में। लेकिन अभी घर थोड़ा सा दूर हो गया है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाते, लेकिन निकलते हम लोग यहाँ से। और क्या क्या हुआ था और तो बता। नहीं पेड़ यहाँ नहीं टूटा था, पेड़ टूटने की बात मैं बताऊँ आपको। ये जो स्कूल देख रहे हो ना आप, ये स्कूल येलो येलो वाला हाँ। और फिर उसके बाद जैसी इतनी तेज आंधी तूफान आया एक बार बहुत तेज वाला, तो हम लोग यहाँ से लेके वहाँ तक भाग भाग के जा रहे थे अपने घर पे, अपने घर पे भाग के जा रहे थे। इन पेड़ों पे हैं झूले डाल लेते थे, झूले झूलते थे हम लोग, तो भाग के जा रहे थे तो एकदम घर पे पहुंच के ही वो पेड़ टूटा था। यहाँ पे नहीं टूटा था, घर पे पहुंच के हमारे घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ था, सीसम का है ना, सीसम का पेड़ था तो वो टूटा था। मुफीज मामू भी थे, उनका आना हुआ अंदर, हाँ बस उनको मम्मी ने लास्ट, हम लोग तो हमको आवाज लगा रही थी, हम तो अंदर पहुंच गए थे लेकिन लास्ट में मामू का आवाज लगाई वैसे ही तुरंत वो पेड़ टूट गया था। तो यहाँ पे हम लोग चाहे जब आ जाते थे वहाँ स्टेज पे डांस करते थे जब छोटे छोटे से थे, बहुत डांस किया। ये झंडा फहरता था ना वहाँ पे, और ये नया वाला स्टेज अभी बना है कुछ टाइम पहले, वहाँ पे स्टेज नहीं था पहले, छोटा वाला स्टेज था। इधर पानी बनने आते थे कभी, तो इनको ना यहाँ पे कुआं था, एक कुआं तो कुआं भी था, बहुत पुराना कुआं भी था और एक नल भी था, नल भी था तो कुएं से पानी लेकर के आते थे। अब तो वो बंद हो गया होगा कुआं, नहीं अब तो अब तो बंद हो गया होगा। इधर नहीं आते थे नल तो, उधर मंदिर के वहां से भर के लेके आते थे, कभी रहते भर के लेके आते थे उस कोने में से। उधर क्या करेंगे इस लड़की को देखो क्या हो रहा है, एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे है। दिन में आना बेटा, दिन में आएंगे खेलने, दिन में। सो गाइस अभी हम लोग घूम करके आ गए हैं और बस मैंने चेंज कर लिया है, बहुत मतलब लवली बाजी के साथ में बहुत टाइम के बाद बाहर निकले थे तो अच्छा लगा उनके साथ घूमकर, और हमने बचपन की बहुत सारी बातें भी की हैं, बहुत सारी यादें हमारी ताजा हो गई उस ग्राउंड को लेकर के, क्योंकि हमारा घर वहीं था तो हम लोग ग्राउंड में जाते आते रहते थे, तो बहुत सारी हमारी बातें जो है निकली हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस हाँ आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी, आप लोग पूछ रहे थे सपना दी के हेल्थ अपडेट के बारे में, क्योंकि ये था कि आप अपने मतलब ये था कि आप लोग शिपरी से हैं तो आपको पता होगा कि सपना दी की अभी कैसी हालत है जो कि अभी उनके साथ में हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में मतलब सभी लोग जो है पूछ रहे हैं, तो उनकी हेल्थ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि वो अभी जो है ठीक है, थोड़ा सा घर पे आ गई हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं और धीरे धीरे करके जो है रिकवर भी कर जाएंगी, क्योंकि औरत की लाइफ एक ऐसी होती है कि अपने बच्चों को देख करके उसको जो है अपनी ज़िंदगी स्पेंड करनी पड़ती है। हाँ हालांकि मैं यही कहूँगी कि वो सारी चीज़ें तो वो भुला नहीं सकती हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा उनको जो है टाइम दीजिए तो जो है वो फिर से रेगुलर हो जाएंगी, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता कि कब तक वो रेगुलर होंगी, क्योंकि अभी उनकी हालत ठीक
नहीं है, उनकी फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा अभी परेशानी से गुजर रही है, बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो जल्दी से जो है अपने यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट करेंगे या कुछ भी है। बस वही है कि जो हमारे शिवपुरी शहर से हैं तो हमें थोड़ा बहुत जो भी अपडेट मिली है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो अभी घर पे ही हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ हैं, संभाल रही हैं उनको, जैसे जैसे करके जो है रिकवर हो रही हैं चीज़ों को लेकर के। तो बस यही चीज़ है और अल्लाह ताला बस उनको हिम्मत दे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे और बहुत सारा सब्र दे, क्योंकि भाई उनके ऊपर जो गुजरी है ना, अल्लाह ताला ऐसा किसी के भी साथ में ना करे। और बस यही, आप लोग भी दुआ करना कि वो जल्दी से रिकवर कर जाएं और जल्दी से फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाएं, क्योंकि उनको देखना किसको पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली माशाल्लाह से इतनी प्यारी है ना कि उनको हमारे घर में ही क्या, मतलब मैं बोलूं कि सारी जगहों पर जानते हों उनको, बहुत पहचान है उनकी, क्योंकि सारी जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं वो सब उनकी वीडियोज़ देखते हैं। तो मतलब एक तरह से अटैचमेंट सा हो जाता है, जो भी उनके साथ में होता है या फिर अगर उनके घर में खुशियों का पल आता है तो हम लोग उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन जब उनके घर में इतना दुखों का पहाड़ टूटा है ना, तो सच में इतना ज़्यादा बुरा लगा है ना कि अल्लाह ताला बस किसी दुश्मन के घर पर भी जो है इस टाइप से ना करें। और बस यही है, यही चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो प्लीज़ आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआ करना कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जल्द से अपने YouTube चैनल पर आ जाएं, ताकि हमें उनके अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले। ठीक है, चलो गाइस मैं इतना ही बोलूँगी और फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।